Hello friends, I am Amresh and welcome you all to No Tonic. जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के समकक्ष मैं आर्ट साइंस लेक्चर सीरीज लाऊंगा, सो उसका ये फर्स्ट लेक्चर सीरीज है जो कि जनरल टॉपिक को कवर करेगा। इसमें हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे गैलेक्सी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी एंड आवर सोलर सिस्टम के बारे में देखेंगे। नाउ वंस आई विल रिमाइंड यू कि दिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर most of the examination like CSI, NEET, GATE, BRC, GSI, UPSC, geography optional and other competitive examination. So let's start. स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमारा स्टडी चैनल है ऑन यूट्यूब, आप इसे सब्सक्राइब करें एंड जस्ट प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेन एवर आई पोस्ट वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन अबाउट इट। बिफोर आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू टू गो थ्रू माई फर्स्ट लेक्चर इन विच यू विल गेट अ ग्लिम्स ऑफ Earth science and the various topics that has to be covered in the upcoming lectures. Also, you will get a glimpse of different branches of earth science in this lecture. So, please go through it. Now, let's start. What is galaxy? This is the first question arises in our mind. Ki galaxy hai kya? So, galaxy ek gravitationally bound system hai, jisme ki bahut sare stars, स्टेलर रिमनेंट्स, इंटरस्टेलर गैस, डस्ट, डार्क मैटर और बहुत सारे चीज़ होते हैं। सो उसको हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। इनिशियली इसको टेलीस्कोप की मदद से डेवलप किया गया था और इसको स्पाइरल नेबुले कहते थे। नेबुले मीन्स अ डस्ट क्लाउड। एंड नाउ 18th and 19th centuries के एस्ट्रोनॉमर्स इसे स्टार क्लस्टर्स की तरह इसे कंसीडर करते थे और इसे एनागैलेक्टिक नेबुले कहते थे। एनागैलेक्टिक मीन्स फास्ट मूविंग नेबुले कहते थे। और हम लोग इसे सोचते थे कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी, इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे। बट ये जो फैक्ट था कि मिल्की वे का पार्ट है वो ट्रू नहीं था और इसके ट्रू कंपोजिशन और नेचर्स अभी तक एक मिस्ट्री है। नाउ बहुत बड़े बड़े विद द रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ लार्जर टेलीस्कोप्स ए फ्यू नियर बाई ब्राइट गैलेक्सीज हैज बिन ऑब्जर्व, जिसका कि एक नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड दिस गैलेक्सी बिगेन रिजॉल्विंग द ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूज कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ स्टार्स एंड दे आर फेंट एंड सियर पॉपुलेशन ऑफ स्टार्स एंड ऑल्सो दिस डिस्टेंस आर प्लेस देम वेल बिहाइंड द मिल्की वे गैलेक्सी। सो दिस इज अ टाइप ऑफ गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी एंड मिल्की वे गैलेक्सी। इनिशियली इस रीजन से दिस आर कॉल्ड एज आइलैंड यूनिवर्स, बट एज अ साइंस प्रोग्रेस साइंटिस्ट हैज डिस्कार्डेड दिस यूज एज आइलैंड यूनिवर्स एंड दे यूज यूनिवर्स इम्प्लिसिटली फॉर एंटायर एग्जिस्टेंस, बट दिस ऑल्सो गॉन आउट एंड इट इज known as galaxy simply. So please keep in mind that galaxy is not an island universe or a universe, it is simply a galaxy. Universe is something different, that is a combination of all these things called universe. Now different types of galaxy, here we are looking about the elliptical galaxy. This is the simplest form of galaxy and that has been classified by Hubble based on their eccentricity starting from E0 to E7. It means nearly spherical to highly elongated. You can see here it is nearly spherical to highly elongated. Now if we take a ellipsoidal profile along this and view it at any angle, you will feel that you will view it as a ellipsoid, so which makes them that this is elliptic in nature. Also its appearance is at little structure and typically it has relatively little interstellar matter. So also consequently this galaxy have a low portion of open clusters and a reduced rate of new star formation. These are old stars and new star formations is consequently low. तो यहाँ पे न्यू स्टार्स फॉर्मेशन कंसिक्वेंटली लो होगा और इसमें ओल्ड स्टार्स रहते हैं, मिलकर ये इलिप्टिकल गैलेक्सी को बनाते हैं। और ऑल्सो जनरली ओल्डर और इवॉल्व स्टार रहते हैं दैट आर ऑर्बिटिंग नियर अ कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन रैंडम डायरेक्शन में। दिस इज द कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड दिस इज द रैंडम डायरेक्शन इन विच दे आर ऑर्बिटिंग। ऑल्सो द स्टार्स कंटेन लो अबंडेंसेस ऑफ हैवी एलिमेंट्स, बिकॉज व्हाई लो अबंडेंसेस ऑफ हैवी एलिमेंट्स, बिकॉज एज अ फॉर्मेशन सीजेस ऑफ द इनिशियल बर्स्ट के बाद ये फॉर्मेशन क्या हुआ कि सीज कर गया। सो in this context heavy elements is found at the core of the stars, but it is not found in the stars that is surrounding these galaxies.
सो हैवी एलिमेंट्स का प्रेजेंस यहाँ पे कम होगा. इन दिस सेंस इसको हम लोग बोल सकते हैं स्मॉल ग्लोबुलर क्लस्टर्स. जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में भी छोटे 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 ग्लोबुलर क्लस्टर्स होते हैं, इसको ऐसा एक माना जा सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट एलिप्टिकल गैलेक्सी. नाउ सेल गैलेक्सी. सेल गैलेक्सी इज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ एलिप्टिकल गैलेक्सी इन विच यू हैव ए सेंट्रल मास एंड डिफरेंट स्टार्स ऑर्बिटिंग इन डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सेल्स अराउंड द दिस द सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं या एक ओल्डर स्टार्स के अराउंड ये ग्रेविटेशनली फोर्स के कारण ये मूव करते हैं. सो ऑल्सो सेल लाइक स्ट्रक्चर एंड एलिप्टिकल गैलेक्सी एंड स्पाइरल गैलेक्सी हैज बीन नेवर ऑब्जर्व बट दिस हैज नेवर बीन ऑब्जर्व इन स्पाइरल गैलेक्सी. सो स्पाइरल गैलेक्सी यू विल सी इन द नेक्स्ट लाइन दैट वट इज स्पाइरल गैलेक्सी एंड वाई इट हैज नेवर बीन ऑब्जर्व इन स्पाइरल गैलेक्सी. ऑल्सो इट इज अ डेवलप वेन ए लार्ज एंड हाउ इट फॉर्म्स. इट फॉर्म्स वेन ए लार्ज गैलेक्सी अप्रोच इज ए स्मॉल गैलेक्सी एंड बोथ कोलिज टू फॉर्म ए सिंगल गैलेक्सी. ओके एंड वेन one galaxy approaches another galaxy then they starts oscillation about their center of mass. So what happened when the gravitational forces overcome they collides to form a single galaxy. Now example of this is NCG 3923 which is having 20 cells like A1 cells, 2 cells, 3 cells, 20 cells. Now what is a spirals? So a spirals resembling a spiraling पिनव्हील्स की तरह रिजेंबल करते हैं. लाइक दिस दिस इज अ कॉमन सेंटर. सेंटर के अप्रॉक्स ये दिस आर मूविंग इन ऑल दिस डायरेक्शन एंड दिस इज मूविंग एंड इट्स वन आर्म एक्सटेंडेड टू बिवाइंड आवर विजिबल रेंज एंड वन आर्म इज विद इन आवर विजिबल रेंज. इट इज अ ब्राइट क्लस्टर ऑफ स्टार्स ऑल्सो यू कैन से एंड दिस ऑल स्टार्स आर लाइंग इन अ सिंगल प्लेन. लाइक दिस इज अ प्लेन एक्स एंड वाई. सो यहाँ पे इसी प्लेन में सारे स्टार्स लाइक करेंगे. ओके नाउ एंड विजुअल कॉम्पोनेंट के बिहाइंड है एंड दिस हैज बीन कैरेक्टराइज बाई यूनिवर्सल रोटेशन कर्व कॉन्सेप्ट. तो मस्ट रिमेंबर अबाउट दिस कर्व कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल रोटेशन कर्व कॉन्सेप्ट. नाउ स्पाइरल गैलेक्सी दिस कंसिस्ट ऑफ ए रोटेटिंग डिस्क ऑफ स्टार्स एंड इंटरस्टेलर मीडियम एक्सटेंडिंग ऑल्सो विथ ए सेंट्रल बल्ज ऑफ जनरल ओल्डर स्टार्स एक्सटेंडिंग आउटवर्ड फ्रॉम द बल्ज आर रिलेटिवली ब्राइट. दैट इज वॉट आई हैव टोल्ड यू नो कीप आउटवर्ड जो एक्सटेंडेड है ये रिलेटिवली ब्राइटर इन शेप होते हैं. सो एंड दिस इज वेन इट इज गोइंग बिहाइंड दिस इज आउट ऑफ द विजुअल रेंज फ्रॉम हियर टू हियर. सो दिस इज ऑल अबाउट ए स्पाइरल गैलेक्सी एंड एग्जाम्पल ऑफ ए स्पाइरल गैलेक्सी इज पिनव्हील गैलेक्सी एंड NGC 5457. नाउ बैड स्पाइरल गैलेक्सी. बैड स्पाइरल गैलेक्सी का एक पार्ट है मिल्की वे और मिल्की वे गैलेक्सी का आवर सोलर सिस्टम एक पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का मस्ट रिमेंबर. सो मेजोरिटी ऑफ स्पाइरल गैलेक्सी ऑल्सो स्पाइरल गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी और ये जो पार्ट है वो बैड स्पाइरल गैलेक्सी का है. तो अगर स्पाइरल गैलेक्सी का बीच का पार्ट अगर एक्सटेंड होके एक बार शेप में ले ले बार शेप आई हैव टोल्ड यू बार शेप में ले ले और इसका जो आर्म है ये आगे एक्सटेंड करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूवमेंट करने लगे सो ये दिस इज बैड स्पाइरल गैलेक्सी. ऑल्सो बार्स आर टू बी टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर. ये जो बार्स है टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर है विच कैन ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ डेंसिटी वेव रेडिएटिंग आउटवर्ड फ्रॉम द कोर. कोर से ये दिस इज द कोर यहाँ से डेंसिटी वेव आउटवर्ड की तरफ जो चलती मूवमेंट करती है इसके कारण ये बार्स बैड्सम यहाँ पर दिस इज बिकॉज ऑफ द डेंसिटी वेव. इट इज पुलिंग आउट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इन बिटवीन दिस टू पार्ट्स इज लेस. सो इट इज पुलिंग आउट. इफ इट इज मोर हियर देन इट इज कॉन्सेंट्रेटेड हियर ऑनली लाइक एंड इट विल गिव द शेप ऑफ स्पाइरल गैलेक्सी और द स्पाइरल गैलेक्सी और द सेल गैलेक्सी बट दिस इज नॉट द केस. ओके नाउ मेनी बैड स्पाइरल गैलेक्सी आर एक्टिव है पॉसिबली एज अ रिजल्ट ऑफ गैस बींग चैनल्ड इन टू द कोर एलॉन्ग विद द आर्म्स. तो बहुत सारे बैड स्पाइरल गैलेक्सी ये अभी भी एक्टिव है. ओन गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी ये लार्ज डिस्क के बैड स्पाइरल गैलेक्सी जिसका कि 30 किलो पर सेकेंड डायमीटर एंड 1 किलो पर सेकेंड ठीक है. नाउ 200 बिलियन स्टार्स का एक क्लस्टर है और ऑल्सो 600 बिलियन टाइम्स द मास ऑफ द सन. जैसी सन का मास हमारे सोलर सिस्टम में सन का मास लगभग 97% है उसमें उसका 6×10^11 टाइम्स ये पूरे गैलेक्सी का मास है. जैसी ही कितना बड़ा होगा
Now next, superluminous galaxy. This has been recently discovered and called the superluminous spirals, in which a large number of stars, just see about which is very very away, and diameters of about 437 lakh light years compared to the Milky Way galaxy, jo 1000 light year diameter. Just see Milky Way galaxy, one lakh light year, and this is about 4.37 times our Milky Way galaxy. इसमें एक सेंटर कॉमन ऑफ मास और इसके आउटर एक सेल में बोल सकते हैं क्लस्टर ऑफ, दिस आर द क्लस्टर्स ऑफ द स्टार्स दैट आर सुपरल्यूमिनस इन नेचर. सो विद ए मास ऑफ 340 बिलियन सोलर मासेस, दे जनरेट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अल्ट्रा वायलेट एंड मीन इंफ्रारेड. ऑब्वियसली ग्रेटर द मास एंड ग्रेटर द ब्राइटनेस, सो दे विल डेवलप जनरली मोर ultraviolet and infrared light. So they are thought to have an increased star formation rate around 30 times faster than the Milky Way. So the star formation rate is also more faster, that is 30 times faster, must remember 30 times faster than the Milky Way. So this is all about the different types of galaxy. So moving away, let us learn about our own Milky Way galaxy. So this is our home and this is the galaxy in that in which we live in. So we have to remember about the Milky Way galaxy. So it is a home at least 200 billion stars, I've told you, and the superluminous about 340 billion solar masses mass, and stars is much more than that. Okay, so our galaxy is considered a typical spiral type of galaxy, that is bad spiral galaxy. That is density wave ke karan iska stretching ho jata hai of its spiral and big bulging in the middle. Okay, the center of our galaxy, which is called the galactic center, like most galaxy, contains more stars than the outer part. सेंटर में बहुत सारे स्टार रहेंगे, आउटर पार्ट्स में इसका लेस स्टार रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा. ऑब्वियसली तब इट विल क्रिएट मोर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ दैट द आउटर स्टार्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस गैलेक्सी. ओके, इन द सेंटर ऑफ इट्स मेन, द मेन स्टार इज सेगटेरियस. इफ समवन आस्क यू कि मेन स्टार सेंटर में कौन सा है, तो सेगटेरियस ए बोलेंगे. विच साइंटिस्ट आर कॉन्फिडेंट इट इज़ ए सुपर मैसिव ब्लैक होल. सो इट इज़ ए ब्लैक होल क्रिएट्स ए ह्यूज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स. सो सेगटेरियस ए स्टार है, ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो कि रिसेंटली फाउंड हुआ है, एंड आर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स इन द सेंटर ऑफ, और ये फाइंड आउट हुआ है कि हर एक गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है. आई विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल इन द नेक्स्ट स्लाइड्स और नेक्स्ट लेक्चर. सो द मिल्की वे इज द ओनली गैलेक्सी टू बी रिकॉर्डेड टू हैव अ प्लैनेट विद लाइफ. लाइक मिल्की वे में सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का पार्ट एक अर्थ है, सो यहाँ पे लाइफ है. ऑल्दो देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सी आउट देयर, अर्थ इज द मेन वन. ओके, साइंटिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड द एज ऑफ द मिल्की वे इज अबाउट 5 billion एंड आवर गैलेक्सी इज 5, तो टोटल रफली अबाउट 10 billion ईयर्स है. तो मिल्की वे गैलेक्सी का जो एज कोई पूछेगा तो 10 billion ईयर्स है. दिस इज अ क्वेश्चन दैट हैज टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. सो बी सीरियस. सो और मिल्की वे इज अबाउट 750 to 1 trillion solar masses and about 10,000 light years in diameter. Milky Way, जो must remember, these are the facts. Facts some exams में पूछे जाते हैं, like state examination and general examination में पूछे जाते हैं. कभी कभी gate में भी ask होते हैं, general question में, जो कि गेट में भी पूछे जाते हैं. नाउ आवर गैलेक्सी इज वेरी यूनिक एंड वी आर लकी टू हैव इट. फ्रॉम अर्थ टू द सोलर सिस्टम ऑल वे टू द ब्लैक होल, आवर गैलेक्सी इज चेंजिंग एवरी डे. ऑल्सो बिकॉज ऑफ डॉपलर शिफ्ट वी आर सेइंग दैट आवर गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम अस. सो देर आर सम एविडेंसेस बेस्ड ऑन दैट वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द इन्फरेंसेज अबाउट द मिल्की वे गैलेक्सी एंड डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल सब्जेक्ट्स. So let's move. अब हम लोग डिस्कस करेंगे what is solar system, because we as we are a part of the solar system, also a part of Milky Way galaxy. So let us learn about solar system.
So solar system is the gravitationally bound. Again, like the galaxy, it is also gravitationally bound system. This may be a star hoga aur iske baaju wale distance mein aapka different planets hoga. So isme 8 objects hain, all we know, jisme ki including dwarf planets and a small solar system body formed 4.6 billion years ago. Again, this is a question asking the examination, and from the gravitational collapse of a giant interstellar molecular cloud. Also, the vast majority of the system's mass is in the sun hai, and with the majority of the remaining mass contain the Jupiter. Also, isme four small hain jisko ki terrestrial planets bolte hain, like Mercury, Venus, Earth and Mars. And primarily these are composed of rocks and metals, and isme four outer planets hote hain jinko ki massive than the terrestrial hote hain, but they are gas giants. So two largest, Jupiter and Saturn, gas giants hote hain jisme ki hydrogen and helium hote hain. Other outermost two, Uranus, Neptune and ice giants, being composed mostly of the substances jisme ki high melting point hote hain with hydrogen and helium called volatiles, and such as water, ammonia and methane. This has to be learned by you. You see, aap log ye concepts ko dekh lijiyega. These are all about ki what is solar system and different types of planets that are there in the solar system. Also have almost circular orbits, that 8 planets have almost circular orbit and lie with a nearly flat disk called the ecliptic plane. Also, we will discuss some Kepler's law and the orbital plane motion, and we'll see ki how they are moving in the ecliptic plane about the sun at one of its foci. Okay, now small objects comprising of asteroids. Ab yahan pe ek hamara sun ho gaya isme एक ऐसा जोन आता है ना जिसमें कि बहुत सा छोटे-छोटे आई विल शो यू इन द फिगर छोटे-छोटे होते हैं. दिस आर कॉल्ड एस्टेरॉइड बेल्ट. दिस यू कैन सी एस्टेरॉइड बेल्ट. इट इज इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. बहुत ही स्मॉल, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन, यू कैन से दैट इनफिनाइट नंबर ऑफ स्मॉल planets, a small infinite number of small objects, you can say objects that is comprising between Mars and Jupiter. So this is called asteroid belt. So now, and asteroid belts, and which lies in Mars and Jupiter, I've told you, and mostly contains objects composed like the terrestrial planets of rocks and terrestrial planets ka rocks and metals ka jo elements hote hain usko ye composed kiya. So asteroid attack bhi hota hai hamare earth pe, uske karan shape of the earth and shape of the moon has been changed. So this all have to be discussed. So beyond Neptune orbits like the Kuiper belt and to Neptune ke baad yahan pe this is the Neptune, or Neptune ke beyond ye this is the Kuiper belt, and Kuiper belt mein trans Neptunian. So hamara Pluto and jo different dwarf planets hai, it also lies beyond Neptune. So ये these are mostly composed of ice, क्योंकि sun का यहाँ पे reach बहुत बहुत late से हो पाता है, और instead बोल सकते हैं most probably नहीं हो पाता, तो sun की energy नहीं जाएगी, तो ये सब icy planets से होंगे. Okay, so within the this population, several dozen of possibly tens of thousands of objects large enough that they have been rounded by their own gravity, such as called dwarf planets. Also the planets asteroids Ceres and trans Neptunian objects है, like Pluto and Eris, जिनको कि हम लोग dwarf planets के नाम से भी जाने जाते हैं. So इसके addition में various other small body population जिसको comets कहते हैं, centaurs कहते हैं, interplanetary dust clouds कहते हैं, freely travel between इस region के बीच में freely travels करते हैं. So not only like asteroid belts, ये सब भी हमारे बीच freely travel करते हैं in between the this Kuiper belt, beyond Kuiper belt, beyond Neptune and in the trans Neptunian objects like things. So six of the planets, at least four of the dwarf planets and many of the smaller bodies are orbited by natural satellites, jisko bolte moon, like earth ka apna moon hai, or different planets ka bhi apna moon hai. Okay, so each of the outer planets is encircled by planetary rings of dust and small objects. So you can see here ki yahan pe ek Saturn hai, iska ek ring bana hua hai jo ki dust and dust and other small objects ka bana rehta hai. So also you know about the solar winds. Solar winds kya hota hai, a stream of charged particles flowing outwards from the sun creates a bubble like region in the interstellar medium known as heliosphere. Now also
ऑल्सो हेलियोपॉज, हेलियोस्फेयर एंड हेलियोपॉज नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे किस सन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे ये रीजन होता है हेलियोस्फेयर एंड हेलियोपॉज जो कि बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए। सो इन विच द सोलर विंड इज इक्वली द अपोजिंग प्रेशर ऑफ द इंटरस्टेलर विंड बिकॉज ऑफ दैट हेलियोस्फेयर एंड हेलियो विंड एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वी आर प्रोटेक्टेड बाई द पार्टिकल्स दैट इज कमिंग फ्रॉम द सन। सो दिस इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स। ऑल्सो ऊट क्लाउड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज थॉट टू बी अ सोर्स ऑफ लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स जो आते हैं बिकॉज ऑफ ऊट क्लाउड्स। ऊट क्लाउड ऑल्सो मे एग्जिस्ट एट अ डिस्टेंस रफली 1000 टाइम्स फर्दर दैन द हेलियोस्फेयर। ऑल्सो सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन द ओरियन आर्क विच इज 26,000 लाइट ईयर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे। मिल्की वे के सेंटर से 26,000 लाइट ईयर दूर ये एग्जिस्ट करता है हमारा सोलर सिस्टम। जैसे मैंने बताया ना मिल्की वे गैलेक्सी, ये है बैड स्पाइरल, यहाँ पर मूवमेंट, इसका एक स्ट्रेस्ड आर्क में 26,000 लाइट ईयर में एक सोलर सिस्टम हमारा पार्ट्स है। ओके, नाउ विद दिस नोट आई विल से थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विद द नोट दैट शेयरिंग नॉलेज इज गेनिंग नॉलेज, हम इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं। बिफोर दैट आई विल सजेस्ट यू और आई विल टेल यू कि आप हमारे इस प्रोफाइल को लाइक कर सकते हैं, हमारे फेसबुक आईडी को, जिस पे कि मैं सारा वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा और आपको यहाँ से पीडीएफ भी मिल जाएगा प्रोफाइल अमरेश सिंह के नाम से, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।